हरे कृष्णा। तो आज हम प्रलंबासुर वध का वर्णन करेंगे। तो प्रतिदिन की तरह भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गोप बालकों के साथ खेलते और वनों में आनंद लेते। तो वह किस प्रकार का खेल खेलते? तो श्री सनातन गोस्वामी ने वो खेल का वर्णन किया हुआ है। वह पुल बनाने का खेल खेलते या गोल फलों के साथ गेंद की तरह खेलते और आंख मिचौनी खेलते, मतलब छुपा छुपाई, और ऐसे सब खेल वह खेलते। और जब कृष्ण विश्राम करते तो और एक लीला भी होती। उनके मित्र जाके गोपियों से कर मांगते और वो गोपियों को कहते, हमें तुम टैक्स दो, हमें मटकी दो, हम तुम्हें धन देंगे। और जैसे ही उनके हाथ में मटकी आती, वह भाग जाते मटकी लेकर। तो यह इस बात का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया गया है। उनने कहा कि वृंदावन में ऐसा एक स्थान था जहाँ गोपियां गीत गाकर आती थी और भगवान श्री कृष्ण के मित्र आते थे, कर मांगते और मटकी लेकर भाग जाते थे, ऐसा उनने वर्णन किया। तो जो एक दिन की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही सब गेम खेल रहे थे, तब आया प्रलंबासुर नामक एक राक्षस अग्निदैत्य के साथ। उसने अग्निदैत्य को कहा, हे अग्निदैत्य, जब भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र आएंगे तो उनका तुम है ना वहां पे जला के वध कर देना, जंगल को पूरे आग लगा देना। तो प्रलंबासुर ने कहा, प्रलंबासुर ने सोचा कि कृष्ण तो बहुत मायावी है, वो तो छलिया है, उसके साथ तो मैं नहीं करूंगा वध, उसके साथ तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा, उसके बड़े भाई के साथ लड़ता हूँ, वो तो कोई होगा कमजोर, पेड़ की नली ऐसा कुछ होगा, वो छोड़ो छोड़ो उसके साथ ही लड़ेंगे। तो प्रलंबासुर ने एक गोप बालक का रूप धर लिया, उसने हूबहू अपने आप को ऐसे बना लिया जैसे वो एक गोप बालक दिखता था, और वह बहुत ही काला काला दिखता था। और फिर वह गया और भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया, अच्छा प्रलंबासुर तू आया है मेरा वध करने, रुक जा तेरे को ही सबक सिखाएंगे हम लोग। फिर उनने कुश्ती खेलने का आरंभ किया। तो कृष्ण ने पूछा, प्रलंबा, हे प्रलंबासुर, तुम हमारे साथ खेलोगे, हमारे टीम में आओगे, क्योंकि हमारे में एक मेंबर कम पड़ रहा है। तो बोला, हाँ, मैं आऊंगा। फिर वो चला गया उनके साथ खेलने। और बलराम की टोली, मतलब यानी टीम, उनकी टीम अलग थी और कृष्ण की टीम अलग थी। कृष्ण ने कहा, इसका वध तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, जो भी टोली हारेगी वो जंगल की दूसरे टोली को पीठ पर बिठाकर जंगल की सवारी करवाएगी। तो उनने कहा, ठीक है हम लोग करवाएंगे। और फिर कृष्ण की टोली हार गई। अब बारी आई कृष्ण की टोली को, बलराम की टोली को पूरे जंगल की सवारी करवाने की। तो उनने प्रलंबासुर ने कहा, मैं तो मेरे पीठ पर बलराम को ही बिठाऊंगा भाई, मैं तो उसको ही बिठाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे को उसका ही वध करना है। उसने ऐसे मन में सोचा और कहा, मैं तो बलराम को ही बिठाऊंगा, मैं तो बलराम को ही बिठाऊंगा। बलराम ने कहा, ठीक है भाई मेरे को बिठा ले, मेरे को अगर इच्छा है तो, मैं किसी को निराश नहीं करता। उस तो बैठ गए। फिर जंगल में एकदम टेढ़ा 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 जाते हुए प्रलंबासुर गया। बलराम ने कहा, ओए तुम मुझे कहाँ लेके जा रहा है? तो प्रलंबासुर ने कहा, हा, मैं क्या तुझे कहा कहीं भी लेके जाऊंगा, मैं तो भयानक राक्षस हूँ, मैं तेरा वध कर दूंगा। बलराम ने कहा, अच्छा बेटे मेरा वध करेगा, ये ले। बलराम ने प्रलंबासुर से मुष्टि से एकदम सर पे प्रहार किया, उसके खून में मैं तो वो मर गया, उसका वध हो गया। और फिर हम लोग अभी बलराम को जय जयकार करेंगे, उनका नमस्ते मंत्र कहेंगे। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।